Everyone, this is me Deboshree and welcome back to my channel The Bongogenic. So today I'm here with yet another video. But video mein jaane se pehle main aap sabse bata do that I have taken a 15 to 20 days break because jo bhi situation hamare aas pass chal raha tha, I was not at all feeling like filming any sort of new videos. Kyunki mere plan mein tha ki main bahar jaake kuch naya shoot karungi and I was totally locked down inside. Hum kahin ja nahi sakte, hum koi food review nahi de sakte, hum kahin ghoomne nahi ja sakte. So I had posted my travel diary video. I hope you have seen that and I'll be posting the link in the description box also if you haven't seen. So अब वीडियो पे जाते हैं और आज का वीडियो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बिकॉज आई एम अ पेरेंट, आई एम अ मदर. और जब हमारी लाइफ में एक बेबी आता है तो उसके साथ हमारे बहुत सारे ड्रीम्स अटैच होते हैं. उसको कैसे पढ़ाना है, उसको दी बेस्ट देना है, उसको सबसे अच्छा इंसान बनाना है. और इसी में सबसे पहला स्टेप जो एक बच्चा बाहर रखता है दैट इज़ किंडरगार्टन. तो हमने भी, मैंने और माय हस्बैंड अकी, बोथ ऑफ अस डिसाइडेड कि हम पिकू को सबसे बेस्ट किंडरगार्टन में भेजेंगे. सो वी स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल कि कौन से किंडरगार्टन है. तो देयर वर लिस्ट ऑफ किंडरगार्टन्स बट जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखा लोगों से पूछने के बाद, कई जगह पे एड्स देखने के बाद, हमें लगा कि हमें अपने बच्चे को फुटप्रिंट्स में डालना है. यस, यू हर्ड इट करेक्टली, फुटप्रिंट्स. उनका चेन है पूरा ब्रांचेस का, मुंबई में, दिल्ली में एंड हेयर इन लखनऊ ऑल्सो, इन बैंगलोर ऑल्सो वी फाउंड दैट वहाँ पे भी इनका बहुत सारे ब्रांचेस हैं फुटप्रिंट्स के. तो लखनऊ के जो मेरे घर से नियरेस्ट था दैट इज़ इंदिरा नगर ब्रांच, वहाँ पे हमने पिकू को एनरोल कराया. वी वेंट देयर पिकू एंड इट वॉज फन, मतलब शी वॉज इन्जॉइंग लाइक हेल, मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था. मुझे लगा शी इज़ जस्ट 2 ईयर्स तो वहाँ पे क्या होगा. एंड इन फैक्ट व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ कि वहाँ पे 8 महीने के बच्चे भी, वो लोग ऐसे देख रहे थे लाइक दे आर देयर पेरेंट, मतलब जान दे रहे थे टीचर्स. सो इट इज़ अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, एकदम होमली एनवायरनमेंट है. फूड इज़ ऑल्सो स्पेशलाइज्ड देयर, ओनली आपको बच्चे के साथ फूड नहीं भेजना है, दे मेक द फूड देमसेल्व्स. इन फैक्ट यू कैन गो एंड चेक एंड क्वालिटी टेस्ट भी आप कर सकते हो. आप कभी भी जाके टेस्ट कर सकते हो कि वो आपके बच्चे को क्या खाना दे रहे हैं. आपको मंथली प्लानर मिलता है कि डेली बेसिस पे आपके बच्चे को क्या क्या नाश्ते में, क्या खाने में मिलेगा. प्लस उसके साथ ही एक्टिविटी शेड्यूल्स है. और इसी के साथ मुझे पता चला कि वहाँ पे बच्चे का एक वेलकम किट आता है. सो आई वॉज बींग अ पेरेंट, मेरे लिए एकदम न्यू था कि आखिर ये वेलकम किट क्या है. तो आई वॉज टोटली मीन्स एक्साइटेड कि मुझे जानना था कि वेलकम किट में क्या है. ऑल्दो आई हैड अ प्रायर नोटिस कि उसमें शायद बुक्स होंगे, कुछ गेम्स होंगे, बट मतलब टोटली एक दिमाग में फ्रेमवर्क नहीं बना था कि आखिर उसमें है क्या. सो तब मैंने सोचा कि व्हेन आई वुड रिसीव द वेलकम किट आई विल मेक अ वीडियो ऑन द अनबॉक्सिंग ऑफ पीकूज़ फुटप्रिंट वेलकम किट. सो शी इज़ एनरोल्ड इन प्ले ग्रुप, तो मुझे उसका प्ले ग्रुप का पास रिसीव हुआ. एंड नाउ टुडे दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट वेलकम किट. तो मैं आप सबके सामने किट अनबॉक्स करूंगी. इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाट इज ऑल इनसाइड, मैं आपके सामने ओपन करूंगी एंड बोथ ऑफ अस, मतलब मैं और आप देखेंगे कि आखिर एक छोटे से बच्चे के, प्ले ग्रुप के बच्चे के वेलकम किट में फुटप्रिंट्स क्या क्या स्पेशल चीज़ें दे रहा है, वो किस तरह से हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और किस तरह से बींग अ पेरेंट हम लोग उसका यूटिलिटी बच्चे के थ्रू निकाल सकते हैं. तो आइए चलते हैं और अनबॉक्स करते हैं पीकू का प्ले ग्रुप वेलकम किट. तो ये है, आप देख सकते हो, दिस इज़ द बॉक्स विच आई रिसीव्ड एज वेलकम किट. यहाँ पे अच्छे से मेंशन है फुटप्रिंट्स प्री स्कूल. और ये मुझे कुरियर के थ्रू रिसीव हुआ था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल में अवेलेबल नहीं था क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की. तो पीकू इज़ ऑल्सो एनरोल्ड इन द ऑनलाइन क्लास ओनली. अभी तो बच्चे आप जानते ही हो कि नहीं जा सकते, दे आर यूज टू दिस ऑनलाइन थिंग. तो ये मुझे रिसीव हुआ था शिप रॉकेट से. और यहाँ पर आप देख सकते हो द बॉक्स इज़ सॉर्ट ऑफ सूटकेस और बहुत ही कलरफुल सा है. अगर बच्चे देखेंगे तो वो आउटर पैकेजिंग से ही एक्साइटेड हो जाएंगे कि उसमें पेंसिल है, स्केल है एंड एवरीथिंग. द पिक्चर इज वेरी कैची फॉर द किड्स. तो अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे. सो आई हैव माई नाइफ ओवर हियर और तो
तो यहाँ मुझे सबसे पहले जो रिसीव हो रहा है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ चाइल्ड व्हेन ही और शी स्टेप्स इनटू अ स्कूल दैट इज़ बैग. तो आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर रिसीविंग दिस बैग बिकॉज ये पीकू का पहला स्टेप है पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ, और दिस इज़ हर फर्स्ट स्कूल बैग. तो यहाँ पे फुटप्रिंट्स बहुत बड़ा मेंशन है और देयर इज़ अ चिक कमिंग आउट ऑफ एन एग विच शोज़ दैट दे आर किड्स हु आर ब्लूमिंग बर्ड्स. और यहाँ पे आपको बैग ब्लू और पर्पल कलर में है और दो कंपार्टमेंट है. इट इज़ क्वाइट बिग फॉर अ प्ले ग्रुप चाइल्ड. ठीक है, बैग बहुत अच्छा है, स्टर्डी है एंड इनफैक्ट इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. और यहाँ पे आपको दो चेन मिल जाते हैं जैसे एक नॉर्मल बैग में होता है. इट्स क्वाइट स्पेशियस एज यू कैन सी. और एक सामने का एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जो कि उसमें आप वाटर बॉटल या कलर बच्चे का कुछ भी आप रख सकते हो. तो यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई रिसीव्ड इन दिस दैट इज़ अ बैग. अब बारी आती है इसमें नेक्स्ट सेकेंड थिंग की जो कि है एक बिब. आप बिब कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो एक एप्रन है बच्चों का. तो इसको ओपन करके देखते हैं. ये फ्री साइज में है क्योंकि ये आपको टाई करना पड़ेगा. देर आर नॉट्स आई कैन सी इन दिस. तो ये मे बी वो बच्चों को जब स्कूल में फीड कराते हैं या बच्चे जब अपने आप से पेंटिंग वगैरह करते हैं तो ये उनको सर से डाल के और ये जो आप देख रहे हो थ्रेड ये पीछे बांध दिया जाता है बच्चों के. सो इट्स वेरी नाइस. इसका मटेरियल थोड़ा सा रबर टेक्सचर में है जिससे कि ये गंदा ना हो, कपड़ों पे स्टेन्स ना लगे क्योंकि प्ले ग्रुप के बच्चे उनका कोई ड्रेस नहीं है, दे विल गो इन कैजुअल्स ओनली. तो उनका ड्रेस गंदा ना हो उस वजह से ये आपको एक फ्री साइज़ में मिला हुआ है. और खाना भी वो आराम से, अगर स्पिल भी हो रहा है कुछ अगर तो कपड़ा स्टेन नहीं होगा. तो ये है सेकेंड आइटम जो मुझे रिसीव हुआ है इसमें. और थर्ड आइटम यहाँ पे है, दीज आर सॉर्ट ऑफ पजल्स फॉर द किड्स. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं और ये एक पाउच सॉर्ट ऑफ थिंग में आ रहा है और इसके अंदर ये स्पॉन्ज के बने हुए पजल स्टिक्स हैं जैसे स्टैंडिंग लाइन मुझे दिख रहा है यहाँ पे. और इसमें बहुत सारे ऐसे ही गेम आर्टिकल्स हैं इसके अंदर जो कि पूरा बच्चों को जोड़ना पड़ेगा. लाइक सी देयर इज़ अ ह्यूमन फॉर्मेशन. फिर यहाँ पे ये बॉल्स हैं उसके, वो जोड़ के कुछ भी एलिफेंट बना सकती है. यू कैन सी देयर इज़ अ एलिफेंट इन दिस. तो ये वो पूरा ओपन हो जाएगा, ये पूरा पजल्स है ये देखिए आराम से. अच्छा, और एक चीज़ है कि सिंस प्ले ग्रुप के बच्चे हैं वो खेलेंगे, उनको मुंह में चीज़ें डालते हैं, चोट लग सकती है, तो एवरी बिट इज़ मेड अप ऑफ स्पॉन्ज. वो भी बहुत स्टर्डी स्पॉन्ज है, बहुत ऐसे स्क्विशी स्पॉन्ज नहीं है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ये बहुत स्टर्डी सा स्पॉन्ज है और ये बच्चे आराम से खोल सकते हैं एंड देन दे कैन जॉइन बैक द पजल. तो ये पूरा पजल गेम इसके अंदर भरा हुआ है, ये आप देख सकते हो. बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं तो ये मुझे थर्ड आइटम रिसीव हो रहा है इसमें. अब इसके बाद आता है पीकू का एक ओपनिंग लेटर है ये कि अब वो वेलकम, उसका वेलकम किया जा रहा है फुटप्रिंट्स में. शी इज़ अ न्यू पर्सन ओवर देयर, शी इज़ अ न्यू फैमिली मेम्बर ओवर देयर. तो यहाँ पे जब वो स्कूल जाएगी फर्स्ट डे, अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें उसका नाम, उसकी क्लास टीचर का नाम साइन एंड सेंटर हेड साइन, डेट जिस दिन से वो जाएगी, तो ये सब एक सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ थिंग ये इसमें दिया हुआ है. और इसके बाद आता है रिपोर्ट कार्ड, पीकू का रिपोर्ट कार्ड. तो ये प्ले ग्रुप रिपोर्ट कार्ड है, आप देख सकते हो इसमें उसका ओवरऑल पूरा करिकुलम, यहाँ पे उसका नाम मेंशन होगा, कौन से एज ग्रुप में है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑल द एसेंशियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. उसके बाद उसकी माइलस्टोन्स यहाँ पे प्रॉपर बने हुए हैं कि हर महीने के हिसाब से उसका क्या ग्रोथ होगा, क्या उसका माइंड डेवलपमेंट है, उसका इंटेलिजेंस किस लेवल का गया है, खाने में कैसी है, एक्टिविटीज़ क्या क्या है, करिकुलम कैसा है. तो उस बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. वो कैसे अपना सामान वहाँ पे रखती है, क्लीनिंग कैसे करती है, अगर वो अपने खिलौने ले रही है, खेल रही है, तो वो प्रॉपरली करेक्ट प्लेस पे उसको रख रही है या नहीं, इंडोर गेम्स में कैसी है. तो एक ओवरऑल जो बच्चे का एक माइंड का, एक उसकी बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, एक चेंजेस जो आते हैं एक स्कूल जाने के बाद, वो सब चीज़ें जो हैं, ग्रुप पीयर एक्टिविटी कैसी है, बच्चों के साथ वो कैसी है, टीचर्स के साथ कैसी है, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड उसी बेसिस पर.
तो आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड आया, शेप रिकॉग्निशन उसका कैसा है, पेरेंट्स आई कैन रिकॉग्नाइज, कलर आई कैन रिकॉग्नाइज, ऑल अबाउट मी, मतलब एक पूरा जिस्ट में मेंशन रहेगा। तो दिस इज पीकूज रिपोर्ट कार्ड। अब बारी आती है वर्क बुक्स की। तो ये मुझे सेट ऑफ वर्क बुक्स मिले हैं। इसमें सबसे पहला वर्क बुक है एक एक्टिविटी बुक की तरह। इसमें सबसे पहले यहाँ पे पीकू की फ़ोटो लगाई जाएगी व्हेन शी विल बी गोइंग देयर। लैमिनेटेड है प्रॉपर्ली क्योंकि भाई बच्चों का है। आप इसके बाद एक्सप्लोरिंग मार्कर, यहाँ पे वो मार्कर से ड्रॉ करेगी, मींस जो भी टीचर्स लिखवाएंगे क्रेयॉन से, प्ले ग्रुप में दे यूज़ क्रेयॉन्स, दे डोंट यूज़ पेंसिल, तो वो क्रेयॉन से इसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, ज़िगज़ैग, ड्रॉइंग, कलरिंग, स्क्रिबलिंग जो भी करेगी, तो ये उसके लिए एक पूरा ब्लैंक पेपर का एक वर्कशीट उसको दिया गया है विच इज़ प्रॉपरली लैमिनेटेड। द नेक्स्ट बुक इज़ काउंटिंग। तो प्ले ग्रुप के बच्चे ईजिली काउंट करते हैं, घर पे भी शी काउंट्स स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ये सब इसमें आई सी वन ट्री ऐसे करके इन्होंने पिक्चर्स बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे टू ट्रीज़ है, टू टाइगर है, तो बच्चे बड़े बड़े पिक्चर्स हैं। एक चीज़ और है कि द क्वालिटी ऑफ द बुक्स दे आर वेरी गुड, और जो पिक्चर्स हैं वो बच्चों को दिमाग में रख के हैं प्रिंटेड कि बड़े बड़े हैं, कलर्स आर वेरी कैची, सो दे कैन काउंट, दे कैन कीप फिंगर्स एंड देन दे कैन काउंट इट वेरी नाइसली। तो द बुक इज़ वेरी गुड एंड इसमें वो काउंटिंग सीखेगी। एंड देन आई हैव रिसीव्ड द बुक ऑफ इमोशंस एंड अपोजिट्स। इसमें वो अपोजिट सीखेगी, इसमें लाइक पिक्चर्स आर गिवन एंड हाउ डू यू फील, तो वो ये देखेगी नेचर है, तो शी विल से दैट शी इज़ फीलिंग हैप्पी आफ्टर लुकिंग दिस पिक्चर। सो पिक्चर के थ्रू बच्चों को सिखाना एक प्ले ग्रुप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू रीड, तो वो जो भी करेंगे वो पिक्चर्स के थ्रू, जितने पिक्चर्स कैची होंगे, जितना टीचर्स को अट्रैक्टिव बनाएगा उस हिसाब से वो अट्रैक्ट होंगे। तो द बुक इज़ अगेन वेरी अट्रैक्टिव, वेरी कलरफुल। सो ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे वो हैप्पी है, वहाँ पे शी इज़ एस्टोनिश्ड, तो ऐसे पूरी बुक में एक स्टोरी फॉर्म में बच्चों से पूछा गया है हाउ डू यू फील, आई फील बोर्ड, आई डू द सेम थिंग एवरी डे, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को समझाया गया है। तो ये भी पूरा इमोशंस एंड अपोजिट्स की बुक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ शेप्स। तो इसमें तरह तरह के शेप्स हैं और हर शेप हाईलाइटेड है, एज यू कैन सी हार्ट इज़ हाईलाइटेड हियर, सर्कल इज़ हाईलाइटेड, वैसे ही स्क्वायर इज़ हाईलाइटेड। तो सब में हर पिक्चर में कोई ना कोई शेप हाईलाइटेड है और उस शेप के बेसिस में इसमें स्टोरीज हैं, तो ये बच्चे बहुत आराम से सुनेंगे। तो ये जो सारी बुक्स आप देख रहे हो, ऑल दीज बुक्स, इसमें एक स्पेशलिटी भी है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो मैं अब आपको बताऊंगी। दैट इज़ रिलेटेड टू दिस स्मॉल थिंग। एज यू कैन सी दिस इज़ अ डॉल्फिन, एज यू कैन सी दिस इज़ अ डॉल्फिन, और ये मुझे इसके साथ एक स्टैंड रिसीव हुआ है। ये जब यूज़ में नहीं होगा तो आई कैन कीप इट लाइक दिस, ठीक है। और इसको चार्ज करने के लिए एक मुझे केबल मिला है कि ये चार्ज हो सकता है, राइट। इसमें यूएसबी केबल का पोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, विद दिस आई कैन चार्ज इट एंड इट इज़ चार्जेबल, ओके। अच्छा, ये पेन किस यूज़ का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। दिस इज़ अ रीडो स्टिक, राइट। ये रीडो स्टिक जो है, जब बच्चे इसको ऑन करेंगे, इट इज़ देयर इज़ अ स्विच ओवर हियर, जब इसको हम प्रेस करेंगे कस के, तो ये रीडो स्टिक, एज यू कैन हियर कि इसमें ऑटोमेटिकली एक फुटप्रिंट्स का ही इसमें मैसेज आएगा दैट वेलकम टू दिस फुटप्रिंट वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन। और जब बच्चा इन बुक्स पे, जो स्पेशल बुक्स हैं जिनमें रीडो स्टिक का साइन बना हुआ है, उस पे जब ये टच करेगा, तो वो अपने आप प्रिंट प्ले ग्रुप शेप्स बुक शीट बुक और शेप बुक, तो ये जिस पे भी ये पेन का टिप टच होगा वो अपने आप बोलेगा। तो अगर बच्चा अकेले भी एक बुक खोल के बैठा है, तो शी और ही कैन लर्न वॉट एवर इट इज़ देयर इन द बुक, लेकिन जहाँ पे भी साइन है। तो ये इन बुक्स की खासियत है विच आई लव एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पेन। एज यू कैन हियर अगेन फुटप्रिंट प्ले ग्रुप शेप्स बुक, सो दिस इज़ द शेप बुक, बच्चा समझ जाएगा कि दिस इज़ अ शेप बुक। अच्छा, हर बुक में फर्स्ट पेज पे यहाँ पे प्रॉपरली सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन हैं कि अगर किसी को नहीं पता है कि ये रीडो स्टिक कैसे यूज़ करना है, तो
दे कैन गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। तो आप देख सकते हो कि हर पेज पे जहाँ पे भी ऐसा कोई साइन बना होगा, आई विल शो यू वन डेमो, यहाँ पे जहाँ भी साइन होगा वहाँ पे जैसे ही बच्चा इसको टच कराएगा सो ही और शी कैन नो दैट कुकी इन स्क्वायर शेप। अच्छा, बच्चे ने जैसे ही फिर से इस पे टच किया तब क्या बोलेगा? Cookie in triangle shape. Triangle shape. तो यहाँ क्या हो रहा है, सेल्फ लर्निंग डेवलप हो रही है बच्चों की। सो दिस वॉज ऑल विद द वेलकम किट विच आई रिसीव्ड फॉर माई प्ले ग्रुप डॉटर। अब इस वेलकम किट के अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए, दैट आई लव द वे पीकू इज बीइंग टॉट थ्रू दिस ऑनलाइन सेशन जो कि फुटप्रिंट्स ने कैरी ऑन किया है थ्रू जूम क्लास। और बीइंग अ पेरेंट यू शुड ऑल्सो थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर सेंडिंग योर चाइल्ड टू अ किंडरगार्टन, बिकॉज घर से निकल के जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है या वो प्ले ग्रुप में ही जा क्यों ना रहा हो, उसका एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरनमेंट, जिनसे वो मिल रहा है, बिकॉज ही और शी विल स्पेंड आई थिंक 1 to 2 hours और मैक्सिमम 3 hours विद न्यू स्ट्रेंजर्स जिनको वो कभी नहीं जानता। तो ऐसी जगह पे आप भेजो जहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो, और टीचर्स ऐसे बच्चों को लें जैसे कि दे आर देयर पेरेंट, दे आर देयर गार्जियन। सो व्हाट आई फेल्ट इन दिस 2 months that Piku, although she is catching up with online class, but uska jo apne teacher ke saath ek bonding ban gaya hai, that is very strong and that is very important for a child and a teacher. She waits for the clock to tick 12 और वो खुद मुझसे कहती है मम्मा नाउ इट्स मैम टाइम है, मम्मा जल्दी चलो क्लास शुरू होने वाली है। सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स शुड बी देयर इन द चाइल्ड, दैट मीन्स शी लाइक्स द क्लास। तो ऑनलाइन सोर्स के थ्रू ही क्यों नहीं, बट टीचर्स आर गेटिंग इन टू द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर दैट रीज़न आई एम लविंग द रैपो ऑफ फुटप्रिंट्स, और जो फुटप्रिंट्स के बारे में लोग बात करते हैं दैट इज़ नॉट फॉल्स, इट इज़ रियली अ गुड प्लेस वेर यू कैन ट्रस्ट, वेर यू कैन सेंड योर चाइल्ड एंड यू कैन फील फ्री कि मेरा बच्चा ही और शी इज़ in a safe hand, there are teachers who will take care of them very nicely. So with this I end up my video and stay tuned to my channel because back to back I'll be posting many videos and as I told you Piku ke saath bahut fun videos main banane wali hu because mama aur baby dono ghar pe lock hain, to hum log kuch karenge fun aur isi ke saath main aapse milungi apne next video mein. Do subscribe to my channel if you are new here, press the bell icon which is there beside my subscribe button. और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा एंड ईच एंड एवरी किट कुछ स्पेशल है अलग अलग किट में क्योंकि बच्चे के एज के हिसाब से दे आर प्रोवाइडिंग द थिंग्स। सो शी इज 2.5 तो यहाँ पे प्ले ग्रुप का वेलकम किट है, सो आई गॉट ऑल दिस थिंग्स, होप यू ऑल विल लाइक इट एंड आई बीइंग अ पेरेंट लाइक इट वेरी वेल। सो दैट वॉज द रीजन दैट आई थॉट कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस बींग अ पेरेंट सेंडिंग माई चाइल्ड टू अ स्कूल। सो वेटिंग फॉर दैट डे वेन द फर्स्ट डे आई बी शूटिंग की पीकू स्कूल कैसे जा रही है, द डे 1 ऑफ हर गोइंग टू स्कूल। सो आई बी कैचिंग यू अप इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय एंड लोड्स ऑफ लव, स्टे होम स्टे सेफ।